आजादी, 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 कोमल ये कसीर देते बाहर कम बैल
मम्मी गए हमे पर बियाह करबो हमरा के बहुत लोग ने दा समय से गे मम्मी आगे ने दोरे दोरे हो आई तई तो जाके नहीं बोले चंद देखि रहल छौ यहां हेलो यहां छौ अच्छा कौन बोला पॉइंट का पॉइंट के चढ़ा मैं तो पानी ओ भाई मम्मी गए हम पर बियाह करबो हमरा के बहुत लोग ने दा समय से गे मम्मी आगे ने दोरे दोरे हो आई तई तो जाके नहीं बोले चंद देखि रहल छौ यहां हेलो यहां छौ कौन पानी बाबू दोनों बैठल हो ठीक छे कुर्सी ला में जाऊ बाबू के लेने बैठल हो ठीक छे ओ बाबू अब बाबू नहीं आता बाबू सुन चीज में ओ बाबू मैं बेटा आगे मोटर से ही से जाएगा बाबू तोरा बेटा के कुटिया कुटिया दल गुना बाबू तोरा बेटा के कुटिया कुटिया दल गुना बाबू मेरा मरी से बाबू तोरा बाबू मरा ने चुप कर
सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हत्या का जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार में हत्या का जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। सरकार निकलती है, वो सरकार निकलती है, वो सरकार निकलती है। हटो ना यार, निकलती है, निकलती है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजादी, 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 हमें चाहिए आजादी। से बोलो आजादी, मिलकर बोलो आजादी, से बोलो आजादी, मिलकर बोलो आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। छिपा हुआ जगह दे चुके हैं, आजादी, अरे रुके ना, क्या धक्का दे रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, मीडिया वाला है। आजादी, भैया मांगे आजादी, बेटा मांगे आजादी, जोर से बोलो आजादी, मिलकर बोलो आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, मिलकर लेंगे आजादी। हमें चाहिए आजादी, 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 गरीब मांगे आजादी, जोर से बोलो आजादी, भैया मांगे आजादी, खून मांगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। अरे बिहार के अपराधी माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपराधी नेता गज्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्ता नेता अपराधी गज्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारे को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जोर से बोलो आजादी, मिलकर बोलो। सुबह से अभी तक एक दर्जन, सुबह से अभी तक एक दर्जन से ज्यादा हत्या में हम जा चुके हैं। आज से 18 तक लगभग 55,000 हत्या नीतीश सरकार में हुई, दोनों सरकार मिलाकर के लगभग 6,37,000 किडनैपिंग हुआ। कल भी एक हॉस्टल में मासूम बच्ची के दारू पिला करके हॉस्टल के मालिक और तीन गुंडे
जो बाहर से बच्ची पढ़ने जाती है उसके साथ छेड़खानी और सेक्सुअल हरासमेंट किया। आज पटना के सभी गर्ल्स हॉस्टल को मैंने बंद कराया। हमने कहा है कि जब तक एक एक हॉस्टल का जब तक सरकार रजिस्ट्रेशन हमें नहीं दिखाएगी तब तक हम पटना और किसी भी शहर का गर्ल्स हॉस्टल नहीं चलने देंगे। नेताओं के अंदर और पार्टी के आधार पर अपराध को बढ़ावा मिलती है। जिस पार्टी का समर्थन जिस जात के लोग होते हैं उस जात के अपराधियों को नेतृत्व मिलता है। जो पार्टी को अपराधी तय करता है किसको रखना है अपराधी बनाता है और जिसको खत्म करना है खत्म करता है। तो जब पार्टी सत्ता और सरकार मिलकर के अपराधियों का मूल्यांकन करेंगे, जब किसी को सजा होती है तो उसकी बीवी को टिकट, जब किसी कोई 47 बेचता है उसके में अंडर में जब कोई एमएलए कोई एमपी जाता है तो फिर पैसे लेकर के रफा दफा, 16 साल 12 साल की मासूम बच्चियों का सेक्सुअल हरासमेंट होता है लेकिन उस एमएलए के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। लगातार पटना में एक दिनों में एक दर्जन से ज़्यादा हत्या होती है। अभी हम दिघी के एक डॉक्टर झा के यहाँ गए थे जिसकी बच्ची को खाने तक के नसीब नहीं थी। हम लगातार अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पुलिस को मार दिया गया फारूक के यहाँ सौर बाजार में दो कल हत्या हुई, कल हमारा 7 हत्या हुई है खगड़िया में। मतलब कंप्लीट रूप से सत्ता को पदाधिकारी को माफिया पैसे से चलाता है, तय करता है कि किस पदाधिकारी किस नेता का डाक कितना होगा और वो नेता अपने जात के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन फिर उसकी सुरक्षा में लग जाती है। क्योंकि वोट और सियासत की पूरी राजनीति इन माफिया शराब माफिया जमीन दलाली और बाढ़ माफियाओं के इर्द गिर्द घूम चुका है। एक कोसी सरना स्थली बन चुकी है। आशीष मंडल की हत्या राय की हत्या जिस तरीके से सरकार इसमें ध्यान नहीं दी, पुलिस प्रशासन ने निगलेंसी बरता, उदा किशनगंज अनुमंडल अपराधियों का रुपौली और नौगछिया अनुमंडल अपराधियों का शरणस्थली है। ये चैलेंज करता है और पदाधिकारियों के पैसा दे करके ये आज़ादी के साथ जीता है और आम आदमी को जीने की आज़ादी छीन ली गई है। ये नेक्सस है नेता अपराधी और पदाधिकारियों का। पैसे के बदौलत किडनैपिंग और ताकत के बदौलत यहाँ मुर्दा लाश है पदाधिकारियों। आशीष मंडल की हत्या प्रशासन ने करवाया, इसमें 302 का मुकदमा प्रशासन पर लगना चाहिए। 10 लाख कम से कम मुआवजा उस परिवार को, मैं पार्टी के तरफ से 50,000 उस परिवार को भी मदद करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ इस हत्या के खिलाफ सितंबर 4 मुद्दे हैं मेरे, हत्या बेरोजगारी आरक्षण और एनआरसी। इन सवालों पर जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव सितंबर से करो मरो के साथ युद्ध की तैयारी। या तो हम रहेंगे या तो अपराधी रहेगा, या तो आरक्षण खत्म करने वाला रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा, या तो राजनीति के नाम पर उन्माद पैदा करने वाला एनआरसी वाले लोग रहेंगे या तो हम रहेंगे, या तो गैंग रेपिस बचेगा या तो पप्पू यादव बचेगा, या तो हमें रोजगार लेके रहेंगे। पूरी की पूरी ओबीसी एसटी एससी को समाप्त कर दिया गया आरक्षण के सवाल पर। एक तरफ आर्थिक मंदी के तौर पर युवाओं की मौत और दूसरी तरफ माफिया अपराधी पदाधिकारी नेता के नेक्सस से गरीब की मौत, ये एक बड़ा युद्ध का है। हमें आजादी चाहिए, हमें जीने का अधिकार चाहिए, हर आदमी को एक राइट है इस बिहार और देश में, लेकिन बिहार में सभी राइट को छीन ली गई। आज हमारे पार्टी के सीनियर नेता युवा छात्र के साथ ही लगातार उस आशीष मंडल को बचाने में लगे थे। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के युवा छात्र कमेटी को कि आपने एक बड़ी ताकत के साथ जद्दोजहद किया लेकिन प्रशासन ने आशीष मंडल को मरवा दिया। यहां के पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए और अविलंब यहां से इनका ट्रांसफर करके सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। अन्यथा मधेपुरा भी बंद करेंगे और कोसी और बिहार भी बंद करेंगे।